वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम आज आपको लज्जत चखा रहे हैं इथियोपिया की। हमने ढेर सारा खाना यहाँ पर खा लिया, लेकिन अब बारी आई है स्वीडिश की, मीठे की। मीठा यहाँ का बहुत फेमस है और मीठे में ढेर सारी वैरायटी है। बिल्कुल, स्वीट टूथ अगर आपका है तो ये जगह आपके लिए है। जो काउंटर है उसका नाम है ग्रैंड मास होममेड। खासियत यही है इस जगह की कि जो भी है, बी इट पेस्ट्री, सैंडविचेस, चॉकलेट पेस्ट्रीज, टार्ट्स, एप्पल पाई, बहुत सारी वैरायटी है एंड वेरी टेम्पटिंग, कलरफुल। ठीक है, अगर हमें यहाँ पे कुछ ट्राई करना हो, आई मीन सैलेड पेस्ट्री या किसी भी चीज़ में, तो क्या मस्ट है वे जो सबको ट्राई करना? पेनल्टी इज मस्ट। हाँ हाँ, पेनल्टी इज मस्ट, हमें देनी होगी, आप खानी होगी। और ये बर्स्ट करेगी उसके बाद माइक्रोवेव में। And you know, we have some Indian sweet selection as well. तो उसमें भी बाद में चलेंगे, लेकिन सबसे पहले हम पेनल्टी लेंगे, देंगे नहीं। पेनल्टी, पेनल्टी किस चीज की भाई? खाने की। खाने की। इतना खाना खाने के बाद अगर आपको ऐसे मेल्ट हुई चॉकलेट, डार्क चॉकलेट विद आइसक्रीम मिले, तो आप पेनल्टी देने के लिए तैयार हो जाएंगे? देने नहीं लेने। आप में से बहुत लोग इथियोपिया आए होंगे, हो सकता है बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी हों, ये मिस हो गई हो, बट नेक्स्ट टाइम व्हेन यू कम टू इथियोपिया, दिस इज़ अ मस्ट ट्राई, मस्ट ट्राई, मस्ट ट्राई है, मस्ट ट्राई एंड मस्ट ट्राई। बढ़िया, नीचे गरम गरम, हल्का सा गरम गरम, बीच में चॉकलेट सॉस, ऊपर फिर से चॉकलेट सॉस एंड फिर ठंडी ठंडी सफेद आइसक्रीम। पेस्ट्री, सैंडविचेस, डैनिश के बाद आपको यहाँ पर इंडियन स्वीट्स भी मिल जाएंगी, मिठाइयाँ, जौके शाही। ये क्या है शेफ? दीज आर टाइनी गुलाब जामुन टिप्ड एंड यानी दे आर डूइंग सम स्विमिंग एंड रबड़ी, रबड़ी रबड़ी एंड दे गिव यू वेरी नाइस कंट्रास्ट। बहुत इंटरेस्टिंग है, रियली इंटरेस्टिंग। एंड नॉर्मल जो राजभोग है, रसगुल्ला, गुलाब जामुन। रबड़ी में कौन कौन से फ्रूट्स है? अनार, मुझे अनार, एप्पल, पपाया, पाइन एप्पल, सीजनल, व्हेन स्ट्रॉबेरीज कम इन स्ट्रॉबेरीज गोज इन टू इन, मैंगो कम्स इन मैंगो गोज इन। एक चीज ऐसी है जो नॉर्थ इंडियंस ज्यादा नहीं खाते, नॉर्थ इंडियंस क्या दिल्लीयंस ज्यादा नहीं खाते, दैट इज मालपुआ, राइट? तो हम इसको भी खाएंगे। ये तीन चीज़ें, जौके शाही जो कि रबड़ी में है, गुलाब जामुन। कुल्हड़ में जो भी चीज़ होती है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, एक तो खाने का अपना स्वाद होता है एंड दूसरा कुल्हड़ की मिट्टी का वो खुशबू, सौंधी सौंधी खुशबू। शेफ ये वाला क्या है? रबड़ी, रबड़ी के अंदर फ्रूट्स, और ये है रबड़ी के अंदर रसगुल्ले, गुलाब जामुन, गुलाब जामुन। नाइस, बढ़िया है, बहुत सारे फ्रूट्स हैं। अगर मैं ये रबड़ी बनाती तो शायद इसमें केला ना डालती, केला थोड़ा सॉगी हो जाता है। जो जौके शाही मैंने खाई है उसमें रबड़ी का फ्लेवर तो मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन जो उसमें गुलाब जामुन है रबड़ी में इतनी अच्छी तरीके से घुल गया है कि उसका अपना टेस्ट थोड़ा सा हो गया। इट्स नाइस। लास्ट है राजभोग। बेसिकली ये एक बड़ा सा रसगुल्ला है। अच्छा, रसगुल्ले और राजभोग में बेसिकली शायद यही डिफरेंस होता होगा कि इसमें केसर का इस्तेमाल होता है। बीच में नट्स हैं। इथियोपिया में खाने के क्या कुछ ऑप्शंस थे वो हमने एक्सप्लोर कर लिए। एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पे ले रहे हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम आपको लेकर चलेंगे ऑल अमेरिकन डाइनर, और वहाँ पर होगा सिर्फ अमेरिका का खाना। एक छोटा सा ब्रेक के बाद।
ये है टीवी टुडे नेटवर्क और आप देख रहे हैं दिल्ली आज तक, आपका शहर आप तक।